हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार, कैथबार टैक्स सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करते हैं। आज वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो डिजिटली सिग्नेचर होते कैसे हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं डिजिटली सिग्नेचर इस तरह से होते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, उसके द्वारा ही हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से, और हमें अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। और हमें अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडोब पीडीएफ रीडर, इस वाले लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। इस वाले पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखा देगा। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड एडोब व्यूअर, इस पर हमें क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ये डाउनलोड क्लिक करेंगे तो एक हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये दो फाइल हमारी डाउनलोड होना शुरू हो गई और डाउनलोड भी हो गई है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इसको हम ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है, ओपन फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और हम वही डॉक्यूमेंट उठा लेंगे जो हमें डिजिटली वेरीफाई करना होता है, तो हम उठा लेंगे वहां से अपनी फाइल से जहां पर हमने सेव करके रखा है। तो हमने उसको उठा लिया है और ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया है और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो हम थोड़ा साइड में कर देंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अभी दोस्तों, जब अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। जब आप पीडीएफ रीडर में ओपन करोगे तो इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर हमें वेरीफाई करना होता है। जब डिजिटली सिग्नेचर वेरीफाई पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर हमें जाना होगा और इस तरह से आप क्लिक करोगे तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। और हमें अभी दूसरा ऐप जो अभी हमने डाउनलोड किया है उसको हमें ओपन करना है। इससे आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो हमें दूसरे वाले ऐप को ओपन करना है। हम दूसरे वाले ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो इसी फाइल को हम, तो उसको हमने ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा, जो हम पहले से इसमें वेरीफाई कर चुके थे तो वो वेरीफाई होके आ गया है। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है उसमें वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर राइट राइट क्लिक करोगे तो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में हमें जाना है। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर आपको जो है ट्रस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक टिक लगा होगा, ग्रीन टिक, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ ओके कर देना। ओके करोगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करोगे तो यहाँ पर सही का निशान लग के आ जाएगा। तो ये हमारा डिजिटली सिग्नेचर वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से आप अपना डिजिटली सिग्नेचर वेरीफाई को कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट में हमें जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।